हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y21e Android मोबाइल फोन में आप जो है ऐप आइकन साइज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐप आइकन साइज सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा राउंडेड कॉर्नर, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड वाला आइकन साइज। आइकन साइज के नीचे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो स्मॉल का और एक लार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड जो ऐप आइकन दे रखे हैं ना, यहाँ पर ये आपको सैंपल में दे रखे हैं ताकि आपको यहाँ से ऐप आइकन छोटे या बड़े होते हुए दिखाई दे सके, ठीक है। तो देखिए मेरा जो है ये पहले से लार्ज के ऑप्शन पे ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसे स्मॉल पे सेलेक्ट करूंगा तो ये जो ऐप आइकन का साइज है छोटा हो जाएगा। इसका जो है हल्का सा छोटा साइज होता है, आप यहाँ पे ऐप आइकन को ध्यान से देखिए, मैं इसे स्मॉल पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप आइकन का साइज जो है छोटा हो गया, मैंने इसे स्मॉल पे सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने ऐप आइकन की साइज सेटिंग को आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको नीचे जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और नीचे आपको राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये आइकन साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।